देश के चीनी मिलों के पास 2 लाख मीट्रिक टन चीनी पड़ी हुई है पिछले साल की। किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। लगभग 4.5 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है। 2 लाख मीट्रिक टन चीनी बंद है चीनी गोदामों में, बाजार नहीं मिल रहा है आप कहते हैं। और आप अभी 20 दिन पहले, 1 महीने पहले 20 हजार मीट्रिक टन चीनी पाकिस्तान से क्यों मंगा करके देश के अंदर डाल दिया आपने? ये राष्ट्रवाद है क्या? देश के किसानों को मारो और यहां लोगों को राष्ट्रवाद पिलाओ और वहां पाकिस्तान से चीनी लाओ, अकेले में बिना बताए हुए नवाज शरीफ से मिलने चले जाओ। नवाज शरीफ से क्यों मिलने गए थे बता रहे हैं मालूम है? नवाज शरीफ से इसलिए मिलने गए थे कि पनामा डील के जो कागज हैं वो उजागर मत करना, वरना हमारे देश के 503 आदमी को हमको जेल में भेजना पड़ेगा, देश के कारपोरेट घरानों को जेल में बैठना पड़ेगा। इससे चाहे जो जुल्म हो जाए, पनामा में तुम खाना और पनामा के नामों को बताना मत। और इसलिए आज ये भी अखबार में पाकिस्तान के छपा है कि मोदी जी के राज में दिल्ली में नवाज शरीफ के भी 2 हजार करोड़ रुपए विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान में। ये छत्म राष्ट्रवाद, ये आरएसएस का बोलो कम और तौलो कम। मोदी जी, आपने इस देश को तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है।